इतना मुसलमान अली दे पुत्रां नहीं मारिया जितना अली दे धीआं मारिया। जे अली दा खर्चा गिणना ही तो मुल्क अरब स्टोर कोई शहर विखा जिथे अली दी धी न रुली हो। जड़ी शाम रुल के मर गई वह भी अली दी धी आई, जड़ी लाहौर रुल दी आ गई वह भी अली। शरीफा नू पुत्रां तो ज्यादा दमाद दा दुख खा जांदा है। बोलो, शरीफ नू पुत्रां तो ज्यादा दमाद दा दुख खांदा है। क्यों? वह धी दा घर होंदा है। अज इनू रोना ने ये अकील का दुख थोड़ा है तो अली का दुख ज्यादा। सब तो पहले जड़ी बीबी उजड़ी है इन्होंने सफर लाहौर की मलक। सब तो पहले छे पुत्र दो दिया सर दी चादर मुस्लिम जी वारिस ते अब्बास जा फिरा। इस बीबी का बख्त वेखो, छे पुत्र दो धियां सर दी चादर मुस्लिम जिया शौहर अब्बास जिया बिरा। आले में दीन पे लिख दें जदों वतनों टुरी आई तो सब कुछ नाल आई, जदों वली आई तो खाली वली। मरहबा मरहबा मरहबा, हाय आनी चाहिए सरदार नाल ला मोमिन गवाह होना चाहिए। हाय और मुसलमाना ने जनाब मुस्लिम बिन अकील नू कोई बंदा नहीं तारीख साबित कर सकिया, कोई बंदा कि इन्ह चार विचों वड्डा बहादुर कौन है। जो हुसैन अलैहि सलाम आखे मदीना छोड़ा तो इमामत नू ना छोड़न का मशवरा, जिस आखे ना मौला ना जाओ मदीना छोड़ के, मुस्लिम बिन अकील दिता है। फरमाया के करा, हुसैन आख्या के करा, तू के जाना है। मुस्लिम आख्या जड़ा बयत मंगता है उन्होंने आख अपनी फौज भी लाया आवे, उन्होंने आख आवे मदीने के बाहर फौज लावे, पुत्र बतूल का कुर्सी तब मेरे सज्जे अब्बास नू खलार दे। ते इंज हुसैन दे पुत्र अल वेख के आदा है, जे रात ना रोवे ना तो घट तेरा सज्जाद वेख तलवार दे के एक मैंने सज्जाद दे, मैं पूछा पी बयत मंगदा कौन है तेरे को। हुसैन का जवाब सुन लो गे पिंडी घे पाले हो, तड़पना चाहिए आजादार का जिगर। जल हुसैन आख्या ना बुलावा तो तलवार दो मैन तो फिर मैं वेखा, हुसैन रो के पया देन है मुस्लिम मैं हुसैन हाँ मैं घर बुला के मारा। हाय 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 हाय, वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन, मैं दारैन कुर्बान करा आजादार हो किसे गम में छाए ना है। और आज भी जाओ सियासत्ता तू जाओ तिहत्तर फिरके की किताब चाहो, मेरी गल दी रद्द होवे मेरी जबान कट देना। मुसलमान कज़ाब का जड़ा सफीर आया, झूठी नबूत का दावा करने वाले का सफीर आया, उस जबान दराजी की रसूल अगे, रसूल के मुँह च जुमला निकलिया, अगर तुम सफीर ना होते मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता, मगर तुम सफीर हो। आज दे इस ब्रिटिश लॉ के तहत भी, आज दे इस अंग्रेज कानून के मुताबिक भी तुसी सफीर ना मार सकते। अमेरिका ईरान के तालुकात खराब होए, सब तो पहले सफारतखाना बंद होया कि इन्हें सफीरन कुछ ना हो जाए, क्योंकि सफीर मारना पूरा मुल्क मारन के बराबर है। यानी अंग्रेज के कानून भी सफीर मारना हराम है। कसम कुरान दी जो कूफे दियां गलियां बंदे मुसलम नू मारदे हैं, हाय हाय कौन समझे मैं के आख्या। उसले अकील दा पुत्र उच्ची आवाज न लादा, हुसैन ज़हरा गवाह रही ना तेरे पुत्र दा सफीर मारे। मरहबा मरहबा, किसे गम में तोरी हाय ना आया दादा। और हाशमिया च जितना बड़ा गरीब मुस्लिम बिन अकील इतना होर कोई नहीं, सब तो वड्डे गरीब दा नाम मुस्लिम लब्बे क्या हुसैन लिखे होया। मजलिस इमाम हुसैन है हज़रत अब्बास का पहरा है, मैं अली दी एक वड्डी छोटी धी का वह दुख पे पढ़दा, तेरे दिल तक आ गया तो तेरी बिस्तर ते भी हाय निकल आएगी। करबला आलिया सैन दे पुत्र लगे, सब तो छोटा अली असगर लगा है तो रबाब का पुत्र लगा है, उम्मे लैला का लगा है तो पुत्र लगा है, उम्मे फरवा का लगा है तो पुत्र लगा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। ओ गरीब लाहौर दी मलका जिस एक धी भी कुर्बान करा, नाल मोमिन तेरी हाय दा गवाह होना चाहिए।
रब जाने अगले साल कोई होवे या ना होवे, ले आ कुरान रख मेरे सर ते, शामे गरीबा मुस्लिम दीदी इस दीनो जनाबे फिजा इंज चाया ही जिमे दीगर ले हुसैन कासिम चाया। कुछ आवाज ना ला दी रही बोल आतका, मैं नजर कुछ नहीं पिया। और दो पुत्र करबला दे शहीद, बीबी आतका खातून करबला दी शहीदा, बीबी हमीदा खातून जिंदा ने कूफा दी शहीदा, दो दिया दो पुत्र करबला दे शहीद, दो पुत्र शाम दे रात मां नालो निखड़ गए। निखड़ना सौखा होंदा, वो मां दा पुत्र गुम जाए तो जींदी रहंदी। कसम कुरान दी इत्थे हाथ बधे हो जाते, जो पुत्र आखे अमल लांदे पया है, लाहौर दी मलका तड़पी तो रो के आदि गाजी बनाइया दे पारा तो। एक आजड़ीन सैयद मिल पाए रोंदे 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 आजड़ीन मिल पाए, होए 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 होए। उस दूरू पूछिया कौन हो बच्चे हो, कौन हो इस जंगल च के कर रहे हो? तो निका सैयद डर गया चुप करके, नेड़े आ गया हाथ बन के दे, जे तेन दसा कौन मरे से तो नहीं। उस अगर कदे एडे बच्चे भी किसे मारे, उस अगर जड़ी नगरी च मैं आया उत्थे झोली वाले मारे ने, कौन हो? फरमाया नहीं, तारुफ नहीं करवा सके। आज दिन पयादे नसी बचना नहीं, असा मर जाना है। एक मिन्नत लाई, साड़ी कबर दूर ना बनाई, साड़ी कबर शाम दे राह ते बनाई। ए मेरा चोला मेरी कबर ते पा छोड़ी, ए निके बिरा दा चोला इहदी कबर ते पा छोड़ी। जिहड़ा पुत्र रखदा उहदी हाय ना निकली, मैनूं दुख लगेगा आज़ादारो, मैं सैयदा तेरा मेहमान हाँ। आज जिहड़ी पिट के आदे कबरां राह ते क्यों बनावां, चोले कबरां ते क्यों पावां? आदे मते रुकैया दी कैद छुट जाए, उन्हां राहां तों वापस आए ते कबरां ते चोले वेख के पहचाणे है मेरा वड्डा पुत्तर है। हालो तेरी हाय तो दरैन कुर्बान करा है मेरा छोटा। मरहबा 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 किसे गम में था। दो कूफे आ गए बाबे नाल। असल च कोई फजाइल दा मौजू हो जनाब इब्राहिम कुर्बानी उस पास चला गया, ये तो हक तो ये बनता है कि मैं वक्त होंदा तो मैं फिर जनाब मुस्लिम दा कूफे आना और फिर जड़ी तहरीक चली उस तहरीक फिर किड़े ऐसे मौकियात वाजिया वाकियात बन गए कि जनाब मुस्लिम तनहा हो गए। कुछ अवामिल पढ़े जाते तो यकीनन उस नाल बुजुर्ग तो जान दे कौम के जवानों की कोई असलाह होंगी। अलकिस्सा मैं दो वैंड नेड़े तो करा। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया जड़ा तलवार रखेगा तलवार के वजन के बराबर जर दौलत। हाय 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 फजर की नमाज वास्ते मुस्लिम खलोते तो पिछे 18,000 आई, जोहर वास्ते खलोता तो कुछ घट गए, असर वास्ते कुछ घट गए। हाय चाहिए आजादार दी मगरिब दी नमाज पढ़न वास्ते मुस्लिम तकबीर आखन लगे ते पिछे मुड़े दो पुत्र ते एक हानी। सिर्फ दो पुत्र इंज कूफे दी एक गली च पुत्रां नाल ला के पिया टुरदा आई, पुत्रां नाल ला के। इस गल च कोई इतना एक दर्द है मसाइब दा कुरान बन दे। अल्लाह करे मैं समझा लवां पुत्रां दे अंदो हथ ते मुस्लिम दे एक हाथ च एक पुत्र दा हथ दूजे हाथ च दूजे पुत्र दा हथ। मेरी मातमी ते पुत्रां वाले नाल गल है, पुत्र कोई एडे डरे होया ने एक हाथ नाल हाथ न पिया ने दूजे हाथ नाल प्यो दे कपड़े न पे। हाय हाय अमीर है यो बंदा जनी हाय नहीं निकले, अमीर है यो बंदा जनी हाय नहीं निकले। आजादार कदम एक चांदा ही ते मुस्लिम कई कई नीर वहांदा आई। हुण पुत्रां नाल लिया के टुर रहे एक गली दा इंज मोड़ आया ते मुस्लिम वेख्या बे सामने फौजी खलोते ने नाका लगा होया मुस्लिम दी गिरफ्तारी वास्ते। ओ सामने सामने फौज दा नाका लगा, मुस्लिम उत्थों पिछे हट गए, पिछे हटे एक होर गली च मुड़े अगे वेख्या उत्थे फिर नाका लगा होया, मुस्लिम उत्थों फिर पिछे हटे। हुण पिछा आए ना ते गली दा कोना आया, उसे कोने च हाय उस कोने च सामने कसाब दी दुकान दा थड़ा आई। मुस्लिम उत्थे बैठे ते इंज वड्डे दा सिर चाया ते इस जानू ते रखिया, छोटे दा सिर चाया ते इस जानू ते रखिया।
ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਰੁਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੱਥ ਦੁਆ ਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਟੁਰਦੀ ਕੰਢ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਮਰਹਬਾ 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 ਕਿਸੇ ਗਮ ਮੈਂ ਛਾਏ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਗਮ ਮੈਂ ਛਾਏ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਗਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਚੱਖ ਪਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਦੇ ਸਫਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੁਆ ਹੈ ਤੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਸੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਨਿੰਦਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੰਢ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਉੱਠ ਬਾਬਾ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਰੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਜਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੰਢ ਕਰਕੇ ਖੜ। ਮਰਹਬਾ 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 ਕਿਸੇ ਗਮ ਮੈਂ ਛਾਏ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰ, ਹੱਥ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰ, ਹੱਥ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰਾਏ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੜ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਕਰਾਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਇਆ, ਕਸਮ ਚਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਲ ਐਡੀ ਕੋ ਬੇਵਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਯਕ ਲਖਤ। ਕਾਜ਼ੀ ਪੂਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿੱਥ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆ ਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਫੀਰ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਿਆ ਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਸਮਝ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਬੂਹੇ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਜਾ। ਆਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਏ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਫਰਮਾਇਆ ਰਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਤਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਗਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਈ। ਆਦਾ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ? ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖੀ, ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਰੋਕ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦਾਰ, ਨਾ ਲਲਾ ਮੋਮਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇ, ਹਾਏ ਚੱਕਰ ਮੇਰਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰ, ਨਾ ਲਲਾ ਮੋਮਿਨ ਹਾਏ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈ, ਇਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਗਰੀਬਤ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੂਫੇ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਟੁਰ ਪਏ, ਹਾਏ ਫਿਰ ਕੂਫੇ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਟੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਟੁਰ ਦੀ ਕੰਢ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਪਰ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਹਾਏ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੀਂਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ। ਪੁੱਤਰ ਸੰਭ ਪਏ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਿਰਾਣੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਪੜਿਆ, ਨੌ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦਾ ਆਈ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦਾ ਆਈ। ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਰੁਕਈਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕੱਲੀ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਧਾ ਆਈ, ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਤਮ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਿਓ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗਿਣਾਵਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਸੰਭ ਪਏ, ਬਾਬਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਧ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਈ, ਦੋਵਾਂ ਪਿਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪੈ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਹੋਇਆ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਛਣ ਪਏ। ਵੱਡਾ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਦੇ ਵੇਖਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਟਕੜਾ ਆ। ਵੱਡਾ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਰਹਬਾ 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 ਕਿਸੇ ਗਮ ਮੈਂ ਛਾਏ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰ, ਮਰਹਬਾ ਕਿਸੇ ਗਮ ਮੈਂ ਛਾਏ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰ। ਜ਼ਖਮੀ ਆਈ ਹੱਥ ਪਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪਾਬੰਦਾ ਨਿਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੈ ਆਏ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦੇ ਸਲਾਮ ਆਖ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤ ਅਮੀਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਆਦੇ ਮਾਲੀ ਅਮੀਰ ਔਰ ਸਿਵਲ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਕਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਤਮੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਆਖਿਆ, ਯਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਵੈਣਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਬਚਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਹਰਾ, ਬਕੀਆ ਛੋੜਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਪਈ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਜ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਛੱਡਿਆਈ, ਮੇਰਾ ਵਾਦਾਈ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਛੱਡੀ ਸੇ ਹੁਸੈਨ ਗਰੀਬ।
ਲਾਇਓ ਜਨਾਬ
मेंबर दे नेड़े ले आओ, ले आओ, ले आओ मेंबर दे नेड़े। इना जनाजा चाया है कूफे जान वाला कोई नहीं। हजरत एक जरूरी ऐलान सुन लो, ओ अकील दे पुत्र दा जनाजा, अली दे दामाद दा जनाजा ओ बिल्कुल तैयार है, ओ कूफे जान वाला कोई नहीं, ओ कोई जनाजे विच रलो।